खबर मथुरा से है, जहां कौसी कला का प्रसिद्ध श्री राम भरत मिलाप मेला बुधवार से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर नगर में भव्य तैयारियां चल रही हैं। इसी के चलते श्री राम लीला कमेटी द्वारा क्षेत्राधिकारी छाता जगदीश कालीरमन और पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार द्वारा एक बैठक थाना परिसर में की गई, जिसमें मेले के दौरान नगर में आने वाली लाखों की भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से आने वाली समस्याओं को क्षेत्राधिकारी छाता को अवगत कराया गया और मेले की व्यवस्थाओं को सुधारने की बात रखी गई। श्री रामलीला कमेटी के समस्त कार्यकर्ताओं ने मेले को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और महिला सुरक्षा बल की तैनाती की मांग की। वहीं रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों से विद्युत व्यवस्था को ध्वस्त करने एवं नगर पालिका के कर्मचारियों से पालिका की व्यवस्थाओं को सही करने की बात कही। थाना कोसी कलां पे जो हमारी रामलीला कमेटी है कोसी की, जिसको हम रामलीला महोत्सव कमेटी बोलते हैं, उनके बीच में और आज नगर पालिका के अधिकारी मौजूद थे, चेयरमैन साहब मौजूद थे यहाँ पे, और हमारे जो तहसीलदार हैं वो भी मौजूद थे, और इस संबंध में मीटिंग करी गई थी कि जो आने वाली तारीखों में जो झांकियां निकलनी हैं और जो रामलीला होनी है, रावण दहन होना है, भरत मिलाप होना है, राम बरात निकलनी है, उसके संबंध में क्या क्या व्यवस्थाएं होनी है, जिससे कि सुचारू रूप से लोगों का आवागमन हो, ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना हो, और जो झांकियाँ निकलनी है उससे लोगों को असुविधा ना हो, कहाँ कहाँ पर बैरिकेडिंग होगी, और जैसे कुछ आवारा पशुओं की जानकारी दी गई कि उस टाइम पर उनको नगर पालिका की गौशाला में रखा जाए, जिससे व्यवधान पैदा ना हो, तो बहुत सारे छोटे छोटे इशू थे जिनके ऊपर आज चर्चा हुई है। देखिए, थाना परिसर में सीओ साहब द्वारा, तहसीलदार साहब द्वारा एक मीटिंग रामलीलाओं के संदर्भ में बुलाई गई। हमारा महोत्सव 25 तारीख से प्रारंभ होगा है, उसके संदर्भ में बिजली विभाग के हमारे जेई साहब, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हमारे नरेंद्र कुमार इंजीनियर साहब, सीओ साहब, कोतवाल साहब, तहसीलदार साहब, नगर पालिका के एसआई साहब, सब लोग यहाँ उपस्थित थे। जो भी महोत्सव को लेकर समस्याएँ थी, वो सब समस्याएँ हमने सबके सामने रखी है। जैसे कुछ पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं वो सीओ साहब के सामने, नगर पालिका की व्यवस्थाएं नगर पालिका अध्यक्ष जी के सामने रख दी हैं, कुछ बिजली विभाग की हैं, बिजली विभाग ने आज भी पूरा सहयोग रामलीला संस्थान को देते हुए जेई साहब अशोक यादव जी पूरे रास्ते आज सारे तारों को ऊंचा कराने में उन्होंने सहयोग किया है।